नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। गुरुग्राम से आ रही है जहां पर बस और कार की भीषण टक्कर हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि आपको विचलित कर सकता है। ये तस्वीरें, तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मारी, हादसे में 4 की मौत, दर्जन भर यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर सामने आई है इस हादसे के पीछे की। तो बस और कार की भीषण टक्कर जिसकी सीसीटीवी सामने आई है। हादसे में 4 की मौत और दर्जन भर यात्री जो है वो घायल हुए हैं। बता दें आपको कि पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है, जांच पड़ताल यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आकाश खुराना हमारे साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कब और कैसे हुआ यह हादसा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह की जो है ये घटना है, फरूख नगर के पास खेतावास गांव के पास जो है ये पूरी घटना है। जिस तरीके से साफ तौर पे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक जो मारुति बेलिनो कार है वो यू टर्न ले रही है और वहीं दूसरी तरफ से जो तेज स्पीड में बस आ रही है उसने जो है पूरी मारुति जो बेलिनो कार है उसमें टक्कर मार दी, जिसमें 4 जो युवक थे वो मौजूद थे जो कि एक बर्थडे पार्टी जो है करके आ रहे थे। तो मौके पर 4ों की जो है मौत हो गई और जो बस थी उसमें जो सवारियां थी जो वो भी मारुति कंपनी की ही थी जो कि अपने एम्प्लॉइज को लेने जा रही थी। साथ में जो बस में सवारियां थी वो भी जो है उसमें घायल हो गई। तो ऐसे में आज सुबह की जो ये पूरी घटना है साफ तौर पर सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा जो है ये आज हुआ है। जी जी आकाश, फिलहाल गलती किसकी बताई जा रही है? बस को कब्जे में ले लिया गया है, बस चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्या? जी साफ तौर पे जिस तरीके जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो है वहाँ पर आसपास जो खेतावास गांव है वहाँ के जो लोग हैं वो बचाव के लिए आए, लेकिन जो गाड़ी में मौजूद थे 4ों युवक उनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई थी क्योंकि रफ्तार जो है बस की वो बहुत तेज थी क्योंकि भयंकर जो है ये हादसा एक जिस तरीके से टक्कर जो है गाड़ी में लगी थी। तो साफ तौर पर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि गुरुग्राम पुलिस जो है तफ्तीश में जुटी है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए।